झांसी में एनआईए और एटीएस की हुई विदेशी फंडिंग मामले में छापेमार कार्यवाही में मुफ्ती खालिद नदवी समेत 111 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जब टीम खालिद को पूछताछ के लिए घर से लेकर निकली तो भीड़ ने उन्हें घेर लिया और माहौल खराब करने की कोशिश की। पुलिस ने 11 नामजद और 100 महिलाओं और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एटीएस की संयुक्त एक छापामारी हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो है मुफ्ती खालिद से पूछताछ के लिए उनको लिया गया था हिरासत में। जैसे ही एनआईए की टीम उनको लेकर के बाहर निकली, वैसे उनको भीड़ के द्वारा घेरा गया था, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर 11 नामजद और 100 अज्ञात महिला और पुरुषों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें शीघ्र ही गिरफ्तारी करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। कितने लोगों पर कार्रवाई की जा रही है? इसमें 11 नामजद हैं और इसमें 100 अज्ञात महिला और पुरुष हैं, जिसके सभी के जो नाम हैं ये भी अभी विवेचना के दौरान प्रकाश में आएंगे और जो नामजद लोग हैं उनकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। मैडम, कल मिरर के लिए झांसी से अखिलेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।